हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं मोदक, जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो मोदक बनाने के लिए मैंने ली है एक कढ़ाई और इसके अंदर मैंने डाला है घी। जब घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें सूजी डाल देंगे। तो घी हो चुका है गरम, अब मैंने इसमें डाली है सूजी। सूजी को अपन लगातार चलाते रहेंगे और तब तक चलानी है जब तक ये सुनहरी नहीं हो जाए। तो सूजी हल्की ब्राउन हो चुकी है और मैंने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर दिया है। अब हमें तब तक चलाते रहना है जब तक कि बेसन और सूजी सुनहरे हल्के ब्राउन कलर के नहीं हो जाए। तो हमारे बेसन और सूजी सुनहरे ब्राउन कलर के हो चुके हैं। मुझे चलाते हुए इसे काफ़ी 5-4 मिनट हो गया है। देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है। इसके लिए मैंने काजू, बादाम, पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ में ही हरी इलायची को भी कूट लिया है। तो ये सब डाल के मैंने एक बार मिक्स कर दिया है और अब मैं डाल रही हूँ चीनी। चीनी अपने स्वाद के अनुसार भी आप डाल सकते हो। तो अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर दूंगी। अगर आप पानी ऐड ना करना चाहो तो इसमें हल्का सा दूध भी ऐड कर सकते हो। पानी और दूध डालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ना डाला जाए, वरना इसका हलवा बन जाएगा। तो अब हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए गैस बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये रेडी है। हल्का ठंडा होने के बाद आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हो। मैं इसे मोदक की शेप में बना रही हूँ, लेकिन मेरे पास में फिलहाल मोदक का जो साँचा होता है वो नहीं है, तो मैं इसे हाथ से ही शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, मैंने हाथ से ही सेब देकर मोदक बना लिया है और इसी तरह मैं लगातार सारे मोदक बना लूँगी। मैंने एक कांटा चम्मच लिया है और इससे मैं चारों तरफ मोदक के लाइन बना रही हूँ, जिससे कि ये बिल्कुल मार्केट जैसा दिखाई देता है। ये देखिए, मैं आपको एक और मोदक बना के दिखा रही हूँ। तो इसी तरह मैं जल्दी जल्दी सारे मोदक बनाकर रेडी कर लूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी कलर भी डाल सकते हैं, येलो कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, कोई भी कलर का आप मोदक बना सकते हैं। बेसन और सूजी से बनने वाले ये मोदक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। सुपर टेस्टी मोदक बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ना तो टाइम चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सामान चाहिए, ना ही हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो ये देखिए, मैंने सारे मोदक बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो पार्थ बहुत देर से वेट कर रहा है कि जैसे ही मम्मी मोदक बना ले, मैं गणेश जी को खिलाकर खुद खा लूँ। तो मैं अभी लगाने जा रही हूँ गणेश जी को भोग। तब तक आप बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। अभी मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।